नए फर्स्ट फ्राई के हॉल में जो इतने सारे हॉल थे फर्स्ट फ्राई के, और इन सबको एक एक करके अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका प्राइस बताएंगे, इसका रिव्यू बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करके अनबॉक्सिंग करना और इसका रिव्यू देना। ओह माय गॉड, फर्स्ट टाइम ही है, ये पहली टाइम में खुल गया, जबकि मैंने सोचा था सबसे लास्ट में दिखाऊंगी। और ये क्योंकि है लहंगा लड्डू के बर्थडे का, जो अभी नहीं सबसे लास्ट में दिखाऊंगी। फिर ये है दूसरा, यस ये था शिव का छोटा बच्चा का सारा ट्राउजर्स, सब ट्राउजर्स जो है वो बहुत सबसे अच्छा लगा, सबसे अच्छे अच्छे ट्राउजर्स हैं। इसके जो रेट है वो हम लोग बताएंगे, और इन दोनों का भी रेट है 377 का। ये तीनों ही सेट था 377 में, तीन सेट लिया था मैंने, ये ग्रीन और येलो 377। फिर है ये थोड़ा सस्ता था, एक ये पैक जो था वो थोड़ा सस्ता था, ये तो 314 रुपीज का, ये था 314 रुपीज के टू। ये थे किसी और ब्रांड के हैं, ये भी है बेबी हक का, ये भी बेबी हक का, लेकिन थोड़ा कपड़ा का डिफरेंस है। ये था 314 रुपीज का, ये दोनों है 377 रुपीज का। वैसे से करके ये हो गए 6 पजामा, एक से एक प्रिंट्स, कैसे लग रहे हैं बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये भी पजामा, ये भी था 377 रुपीज का, 377 रुपीज का, 3 पेयर्स ऑफ का ट्राउजर्स। फिर नेक्स्ट है ये लड्डू का ट्राउजर्स, ये लड्डू का ट्राउजर्स का जो प्राइस है, ये भी 377 में, ये 377 का, ये भी 9 to 12 months है, ये भी 9 to 12 months है 377 का। 377 का प्रिंट देखो यार, ये हो गया 2, 3 है ना, ये सब जो इतने सारे प्रिंट सोच सोच के मंगवाने पड़ते हैं कि सारे अलग प्रिंट्स आए, और सच में सब सब अलग है और सब बहुत ही सुंदर है, इतने सारे हैं, सब अलग अलग कलर है, वाह। इसके तो मुझे सवासी देनी पड़ी। ये हो गया 10 ट्राउजर शिव के लिए, पूरी गर्मी निकालने के लिए। और ये लड्डू का ट्राउजर से, ये लड्डू का ट्राउजर से, हाँ ये 3 सेट्स है, 503 रुपीज में 3 सेट्स है। मैं सच बताऊँ लड़कों की शॉपिंग करना मुश्किल है, क्योंकि लड़कों का इतना कलेक्शन भी नहीं मिलता है, और उनका जो कॉम्बो बनाया रहता है वो 2 या 3 उससे ज्यादा है ही नहीं, जबकि गर्ल्स का 4 कॉम्बोज भी है, वो भी दिखाएंगे। ये है 2 to 3 ईयर्स का, 18 to 24 months, क्योंकि उसका बहुत पतली है इसलिए 18 to 24 months के लिए। ये लड्डू का एक प्रिंट, ये सेकेंड प्रिंट येलो ब्यूटीफुल प्रिंट, एंड देन ये थर्ड है ब्लू प्रिंट। ओके, और पहले क्लॉथिंग अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद ट्वाइस अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये भी है लड्डू का ट्राउजर्स, जो मुझे फर्स्ट क्राई वालों ने खोल के दिया है पैकेट, पता नहीं आजकल फर्स्ट क्राई वाले भी खोल के पैकेट दे रहे हैं। ये 5x4 का पैकेट है 352 रुपीज का, इतना सस्ता ये तो बाहर भी नहीं मिलेगा मुझे, इतना सस्ता है देखिए, 352 रुपीज का 4 है, 1, 2 ये है 3 और ये 4, ये 352 रुपीज का है, 4 सेट्स 352 रुपीज का, बहुत ही सस्ता है मेरे हिसाब से। और ये भी 352 का 4 सेट, अब आप बोलोगे ना मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि लड़कियों का ना 4 सेट है, लड़कों का 4 है, फर्स्ट टाइम का 4 का सेट है ही नहीं। अगर है तो फर्स्ट टाइम वाले शायद ही मुझे मैसेज कर दे, कभी तो मैसेज करे यार, इतना मैसेज, इतना शॉपिंग बच्चों का करते करते समर का शॉपिंग, फिर विंटर आया तो विंटर का शॉपिंग, रेनी सीजन आया तो फिर रेनी सीजन शॉपिंग, ट्वाइस की शॉपिंग। मुझे लग रहा है मैं 3 साल से सिर्फ शॉपिंग कर रही हूँ, कभी सिस्टर्स के बच्चों को देने के लिए शॉपिंग, कभी खुद के बच्चों के लिए शॉपिंग, अब तो फर्स्ट टाइम वाले मैसेज करते। तो ये भी था 352 का पूरा का पूरा जो है पजामा का शॉपिंग हो चुका है। अब है टॉयज की शॉपिंग, अब टॉयज को अनबॉक्सिंग करना, एक मैंने खोल के रखा था, पहले इसको दिखा देते हैं। ये था डांसिंग डॉल्स जो तन्नू के पास था, तो उसको लड्डू को पसंद आया तो हमने मंगवा लिया। ये हमें पड़ा था 539 रुपीज, जो बहुत ही अच्छा था, पंचतंत्र की बुक 380 रुपीज का है। और ये जो स्टोरीज है ना इसमें, ये स्टोरीज तो शायद ही मैंने पढ़े होंगे और शायद अब तो भूल भी गई होंगे सारे, इसमें 10 बुक्स आए हैं, ऐसे ऐसे करके 10 बुक आए हैं, और सब में एक बुक में 10 से 13 कहानियां हैं, 10 से 13 ये पंचतंत्र की बुक है, सब में 10 से 13 कहानियां हैं,
और ये 10 बुक्स है। सच में ये सारी ही सारे बुक्स ऑसम है पंचतंत्र की। ये जो है बच्चों के लिए तो अच्छा है, स्लीपिंग स्टोरीज में आप सुना सकते हैं। अब पूरा इंग्लिश में है तो मुझे लगता है इसका हिंदी भी आता होगा शायद, लेकिन मैंने तो इंग्लिश मंगवाया है। तो ये था, और ये जो है ये यूट्यूब पे तो वो मैंने मंगवाया था, नॉक द बॉल्स। एक हैमर है जिससे बॉल को और मारना है। उसका अनबॉक्सिंग करेंगे तो लड्डू उठेगी सोचे, तब उसका अनबॉक्सिंग करेंगे और उसको दिखाएंगे भी। ये बॉल को ऐसा हैमर से ऐसा करके मारना होता है और ये निकल जाता है। तो ये हमने मंगवाया है नॉक द बॉल्स, और इसका जो प्राइस है वो है 363 रुपीज का। लेकिन मैं टॉयज के लिए मुझे लगता है फर्स्ट प्राइस थोड़ा महंगा है। और एक चीज रह गया, ये लड्डू का है 18 to 24 मंथ्स का, 3, 4, 5, 6 का पैक है। और ये जो है ये पैंट है, मिनी पैंट है। नौकरी के सारे पैसे जो है इसमें ही कपड़े में ही खर्च हो जाते हैं। और ये वो टॉयज है जो फैशन गर्ल का डांसिंग टॉयज था, इसको ऑन करके रिवॉल्विंग है इसको रखते हैं तो ये बड़ा गोल 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 घूमता है। ये था डांसिंग टॉयज लहंगा, जो मुझे भी देखना था कि कैसा है। एक तो लहंगा इतना महंगा महंगा फर्स्ट क्राई पे, फिर भी हमने बहुत ही कोशिश करके 1700 का मंगवाया है। नॉट रिटर्नेबल इफ ब्रोकन, और इतना बड़ा टैग दिला कर लिया है। 1700 का है। तो ये था उसका चोली, ये है इसका लहंगा, ये है इसका लहंगा, और ये है इसका दुपट्टा। वाओ, कलर तो बहुत ऑसम है। कलर कैसा लग रहा है? कलर तो बहुत ऑसम है, देखते हैं लड्डू जब बटन पहनेगी तो कैसी लगेगी। तो मेरी गुड़िया ये है फर्स्ट क्राई का पूरा हॉल।